जेएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसे संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से पारित कर दिया। आज ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात एक सप्ताह में यह आरक्षण लागू होने की उम्मीद है। यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत संसद में पेश किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में एक नया क्लॉज 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6A के अनुसार राज्य इसी अनुच्छेद के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में वर्णित वर्गों से अलग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकेगा, जबकि अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6B के अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थानों, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, में कुल सीटों का अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) में वर्णित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 10% आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त आरक्षण 49.5% से अलग है। अब आरक्षण की सीमा 59.5% हो गई। इस आरक्षण का मूल आधार राज्य के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 46 है, जिसके अनुसार समाज के दुर्बल वर्गों का राज्य, शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। भारत में आरक्षण की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वर्ष 1990 में वीपी सिंह सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जो वर्तमान में भी जारी है। वहीं वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की, किंतु वर्ष 1992 में दिल्ली की प्रसिद्ध वकील इंदिरा साहनी ने सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दे दी, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने 10% सामान्य वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।